डेटा कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में समझते हैं। इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लिक करेंगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रिव्यू में जो नेक्स्ट ऑप्शन हम करने वाले हैं वो कंपेयर है। कंपेयर का यूज हम कब करते हैं? किसी भी तरह की तुलना करने के लिए करते हैं। इसका यूज कब किया जाता है? मान के चलते हैं, जैसे आपने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फर्स्ट फाइल बनाई हुई है, उसके बाद सेकंड फाइल बनाई हुई है। अब आपसे कोई कहता है इन दोनों फाइल में ऐसा कौन सा मैटर है जो पूरी तरह से कॉमन है, यानी कि जो दोनों फाइल में लिखा हुआ है। तो एक तो आप बेसिक सा यूज कर सकते हैं कि दोनों फाइल में को ओपन करके एक करके उसको पढ़ें, लेकिन उसमें टाइम बहुत बर्बाद हो जाएगा। इसी टाइम को बचाने के लिए इसमें कंपेयर एक ऑप्शन है जिसकी मदद से हम आसानी से एक काम कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले एक फाइल को बनाते हैं। यहां पर मैं कर देता हूं, पहले एक मैटर लिख देता हूं। यहां आप देखेंगे मैंने एक मैटर लिखा हुआ है। मैटर को लिखने के बाद मैं क्या करता हूं, इसको सेव करता हूं। इसके लिए मैं ऑफिस बटन पर क्लिक करके सेव पर क्लिक करता हूं। सेव पर क्लिक करने के बाद मैं डेस्कटॉप पर आता हूं, और डेस्कटॉप पे आने के बाद इसमें जो भी लिखा है उसका रफ करके इस फाइल का नाम ए देता हूं, और फिर सेव पर क्लिक कर देते हैं। ये देखेंगे आप, ये फाइल नाम से सेव हो गई है। टाइटल बार पे नेम आ रहा है। इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसको क्लोज कर देता हूं। ये डेस्कटॉप पे देख सकते हैं एक फाइल बन चुकी है। इसके बाद मैं फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करता हूं, और यहां पर जाकर अब मैं फाइल सेकंड बनाता हूं। इसके लिए मुझे यहां भी मैटर लिखना होगा। इसमें मैं मैटर लिख देता हूं। यहां पर आप देखेंगे मैंने इसमें मैटर लिख दिया है। इसको मैं सेव कर देता हूं, ऑफिस बटन पर क्लिक करके सेव पर क्लिक करता हूं, और डेस्कटॉप पर आकर मैं फाइल का नाम बी देता हूं। यहां पर मैंने एक फाइल का नाम ए दिया है, एक का नाम बी दिया है, और सेव करके इसको ये देखेंगे टाइटल बार पर नाम बी आ रहा है, और इसको करते हैं क्लोज। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पे दो फाइल बना दी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम दिख रहा है, ये फर्स्ट फाइल है और ये ऊपर सेकंड फाइल है। अब आपसे कोई बोलता है इसमें कौन सा मैटर ऐसा है जो एक जैसा है, तो आप इसमें मैटर मैंने कम लिखा हुआ है, आप हैं तो इस तरह से दोनों को एडजस्ट करें। ये देखिए मैंने इसको छोटा कर दिया है। इसके बाद दूसरी फाइल खोलें और दोनों को इस तरह से बगल में सेट करके आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगता है। इससे अच्छा क्या है, आप इसको क्लोज कर दें, इस तरह से भी निकाला सकते। दूसरा एक मेन ऑप्शन जो हम बता रहे हैं वो है ऑल प्रोग्राम में जाके माइक्रोसॉफ्ट में जाके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाइए, और फिर यहाँ पर आने के बाद इसकी साइज में यहाँ पर रिव्यू में जाकर आप कंपेयर पर क्लिक करें, तो कंपेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो फर्स्ट फाइल है उस पर क्लिक करने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ब्राउज ओरिजिनल फॉर ओरिजिनल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके हम डेस्कटॉप जो आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप में हमने क्योंकि फाइल को सेव कर रखा था, ये देखेंगे आप ए और बी आ रहा है। फिलहाल मैं ए पर क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ। सेकंड जो फाइल है हमारी इस पर क्लिक करते हैं, इस साइड लेना है, इस पर क्लिक करके हम क्या करते हैं बी फाइल को लेते हैं। आप देखेंगे ओपन कर दिया तो इस तरह से ए और बी दोनों आ गई है। कैसे, इस पर क्लिक करते हैं, फाइल को सिलेक्ट करके ओपन करना होता है, और यहाँ पर क्लिक करके फाइल बी को लेने के बाद ओपन करना होता है। रखिए फाइल ओपन करने से मतलब ये नहीं कि फाइल खुल के आ जाएगी, यहाँ पर केवल अटैच हो जाती है, और फिर कर देना है ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे तो इन दोनों फाइल में जो मैटर कॉमन है, यानी कि जो इसमें भी लिखा है ए में और जो बी में भी लिखा है, वो मैटर ब्लैक कलर से आएगा। देखते हैं, हम ओके करते हैं। ये देखिए इसमें आप देखेंगे तीन तरह के बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। ए नाम की फाइल का मैटर है, नीचे बी नाम की फाइल का मैटर है, और जो इन दोनों का रिजल्ट निकल गया है वो इस बड़े बॉक्स में है। यानी कि जो मैटर आपको ब्लैक कलर से दिख रहा है वो मैटर दोनों ही फाइल में लिखा हुआ है, और जो रेड में है केवल एक फाइल में लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखें इसमें केवल आपका वो मैटर निकल के आएगा, इंपॉर्टेंट होता है जो आपको ना क्या होगा, कॉमन होगा, दोनों में कॉमन होगा, वो ब्लैक से ही लिखा आएगा। अब लेकिन आप सोचें कि ये जो किस में लिखा है ये पता चल जाए, तो ये आपको स्टडी ही करना पड़ेगा, यानी पढ़ना ही पड़ेगा किस फाइल में ये लिखा हुआ है रेड वाला मैटर। लेकिन ये जो मैटर ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है वो कॉमन है, दोनों ही फाइल में लिखा हुआ है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर करने से आप दो फाइल में लिखे कॉमन मैटर को आसानी से सर्च कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इसके लिए डाउट ना हो तो एक काम करते हैं, इसको मैं क्लोज कर देके क्लोज कर देता हूं, इसको भी क्लोज कर देता हूं। मैं फाइल ए को ओपन करता हूं, फाइल ए को ओपन करने के बाद मैं कुछ इस तरह से कर देता हूं कि आप मैटर को स्टडी स्क्रीनशॉट लेकर स्टडी कर लेना। इसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि इसमें मैटर सही आया भी है कि नहीं। इस तरह से मैंने इसको जस्टिफाई हो जाएगा आपका, मैंने ए मैटर को एडजस्ट कर दिया, इस तरह से मैं बी को भी कर देता हूं।
यहाँ पर मैंने दोनों ही मैटर सेट कर दिए हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों का स्क्रीनशॉट लेकर आप या वीडियो को पॉज करके रोक कर कर सकते हैं, पूरा स्टडी कर सकते हैं कि उसमें जो मैटर आया था, और बैक जाके आप रेड ब्लैक के डेटा को कवर कर सकते हैं कि आंसर सही आया था कि नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।